श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। सदैव सदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से होती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिए यही से लिया। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भक्ति से पुष्प फल जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती हो। हर काम हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहाँ मैं नहीं हूँ। राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरे नसीब में इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। जब तकलीफ हो जीने में तो श्री कृष्ण को बसा लो सीने में। रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में,
मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के, किसी और पर निर्भर नहीं होता। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जय श्री कृष्णा।